तीन शक्तियां जो आकाश से आने वाली मुसीबतों से आपको बचा सकती हैं, धरती से आने वाली मुसीबतों से आपको बचा सकती हैं और पाताल से आने वाली मुसीबतों से आपको बचा सकती हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। इस महाशिवरात्रि में आपको रुद्राक्ष के रूप में शिव का प्रिय ब्रह्मा विष्णु महेश रक्षा कवच, भाग्यशाली कवच, आपकी तरक्की करने वाला कवच आपको दूंगा, वो इस प्रकार का होगा। और इसके साथ में दूंगा एक हेल्थ किट। ये एक ऐसा रुद्राक्ष है जिसको आप पानी में डालकर रखेंगे और कुछ घंटों बाद इसका सेवन करेंगे उस जल का, तो आपके रोग भी दूर होंगे और ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी समाप्त होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल 1 मार्च 2021 क्या कहते हैं आपके सितारे। भगवान शिव का महीना है, महाशिवरात्रि का महीना है और जानेंगे आपका भविष्य 1 मार्च का। ये राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगा। शुरुआत करते हैं। सूर्योदय होगा 6:50 पर, सूर्यास्त होगा 6:35 पर। योग है शूल, तिथि है कृष्ण पक्ष द्वितीया, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, पक्ष कृष्ण पक्ष और अभिजीत मुहूर्त 12:10 PM से लेकर 12:56 PM तक, राहु काल 8:15 AM से लेकर 9:41 सुबह तक। तो ये था आपका सुबह का संक्षिप्त पांचांग। और अब आज आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो आपको शुभकामनाएं। हम बात कर रहे थे विशेष की। विशेष में हम आपको ये ब्रह्मा विष्णु महेश रक्षा कवच दे रहे हैं जिसमें भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद है। इसमें तीन नेपाली रुद्राक्ष हमने प्रयोग में लिए हैं जो आपको बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, अनेक प्रकार के बड़ा, जिसको बोलते हैं बड़ा तंत्र, बड़ा जादू, बड़ा काला जादू, या कहें बुरी नजर, शत्रु का प्रभाव, उससे आपको मुक्ति दिलाएंगे। छोटे मोटे को तो ये जैसे समझिए आप फूंक मारते हैं उड़ जाएगा, तो बड़ा प्रभाव होता है। आपकी जो बरसों की समस्या है, जो काफी सालों से सॉल्व नहीं हुई, उससे रक्षा करेंगे। और ये एक रुद्राक्ष जो नेपाली रुद्राक्ष मैं दूंगा, ये हेल्थ किट है। इसको आप पानी में डालेंगे कांच के गिलास में, कुछ घंटे इसको भिगो कर रखेंगे और प्रतिदिन सुबह खाली पेट इसका सेवन करेंगे तो आपके शरीर के रोग दूर हो जाएंगे, आपके शरीर में रंगत आ जाएगी, चेहरा खिल उठेगा। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी ये कवच धारण कर सकता है। शिवरात्रि में हम इस कवच की पूजा करेंगे, भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद लेंगे, अभिमंत्रित करेंगे और उसके बाद ये आपको देंगे ताकि आपको शिव का पूर्ण आशीर्वाद मिल सके। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस मनुष्य के गले में, हाथ में, कान में, सर पर रुद्राक्ष है, उस व्यक्ति को इस दुनिया में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं जीवित रहते हुए भी इंसान सुख पाता है और मृत्यु के बाद भी सुख पाता है। कुछ विद्वानों ने तो ऐसा भी लिखा है कि अगर कुत्ता भी रुद्राक्ष पहन ले तो वो भी इंसान बन जाता है। एक बुरे से बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति भी रुद्राक्ष पहनकर सही रास्ते पर चलने लगता है और जहां पर शिव है वहां पर सफलता है, शक्ति है, और जहां पर सफलता है वहां पर खुशियां हैं। तो इस रुद्राक्ष कवच को, ब्रह्मा विष्णु महेश कवच को पाने के लिए और इसके साथ में फ्री ये हेल्थ किट पाने के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, L1 L2 लिखकर। ये चांदी में मढ़ा हुआ जो है वो 5,100 रुपये का है और धागे में मढ़ा हुआ जो है वो 2,400 रुपये का है। जितनी जल्दी ऑर्डर करेंगे उतनी जल्दी आप शिव की कृपा के पात्र बनेंगे और हो सकता है इस महाशिवरात्रि शिव
आपके घर में शुभ कामों की वर्षा कर दें और आपके हर रुके हुए काम को शुरू कर दें। आइए अब जानते हैं आपका राशिफल, फिर मैं कहूँगा L1 या L2 लिखकर व्हाट्सएप करना ना भूलें। बात करते हैं आपकी राशि सिंह की। आपके अंदर जोश, आपके अंदर ताकत, मुश्किलों से लड़ना आज आपसे कोई सीखे। कठिन रास्तों के बीच में से सीधा रास्ता निकालने का या छोटा रास्ता निकालने का दिमाग ईश्वर आज आपको दे रहे हैं। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो सफल होगा, सुपर हिट होगा। आपकी यात्राएं संभव हैं, आपकी यात्राएं संभव भी हैं और सफल भी हैं। पैसा आप खूब कमाएंगे, वाहन इत्यादि खरीदने का विचार या बुकिंग वगैरह भी हो सकती है, उसके लिए पैसों का जुगाड़ करने में व्यस्त भी हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ थोड़ी खटपट संभव है और ये खटपट सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आपकी इग्नोरेंस है। आप उनको वक्त नहीं दे रहे हैं, आप उनके साथ बहुत लंबा टाइम बिता नहीं रहे हैं या उनकी किसी बात को आपने समय से पूरा नहीं किया, तो छोटी मोटी लड़ाई के बाद आप देखेंगे कि फिर से प्यार पनप जाएगा। आप अपनी पुरानी काम करने की आदतों को, पुराने काम करने के तरीकों को अगर कुछ बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल आज से शुरू कर दें। इस बदलाव से परिवार में भी खुशी होगी और कार्य क्षेत्र में भी सफलता होगी। पैसों का आना आपकी किस्मत पे लिखा हुआ है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, तो पैसों का आना तो आपकी किस्मत में लिखा है लेकिन वो किस माध्यम से आएंगे ये आपको पता नहीं होता है। तो जो भी मौके आज आपको सही मौके मिलते हैं उन मौक़ों पर हाजिर रहिएगा और मौक़ों को करिएगा। अपने हाथ से मौके जाने मत दीजिएगा, आलस या लापरवाही में चीज़ों को छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। अपनी नकारात्मक सोच, अपने बुरे विचारों को, बुरे दोस्तों को, बुरी आदतों को अपने से दूर रखिए। दिमाग का सुंदर प्रयोग करिए। आयु के कुछ छोटे लोग, आपकी उम्र के छोटे लोग भी आपका सहयोग कर सकते हैं और आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसका एक एक चीज़ का हिसाब किताब रखें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सामान चोरी हो जाए और आपका नुकसान हो जाए या इधर उधर हो जाए। तो ये बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना है सिंह राशि वालों को। हनुमान जी की उपासना, भगवान सूर्य की उपासना करें, बहुत बढ़िया रहेगा। कल चाहे तो भगवान शिव के मंदिर में गेहूँ का दान भी कर सकते हैं। आपको ये ब्रह्मा विष्णु महेश कवच क्यों पहनना चाहिए? इसका जवाब ये है कि जो भी बुरी हवा, बुरी ताकत, बुरा जिस चीज़ को भी आप बोलते हैं, चाहे वो इंसानी रूप में हो, चाहे वो भूत प्रेत के रूप में हो, चाहे वो तंत्र मंत्र के रूप में हो, चाहे ग्रहों का उल्टा सीधा बैठना हो, तो हर प्रकार के परेशानियों को हटाकर आपके विवाह के योग बनाएगा, आपको बहुत अच्छा करेगा, जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएगा। ये अनुभव है हमारा जो हम आपको बता रहे हैं, ताकि आप खुद को खुश रख सकें, अपने परिवार को खुश कर रख सकें। L1 L2 लिखकर मैसेज करें और इस कवच को पाकर भगवान शिव के प्रिय भी बने और भगवान शिव के बहुत करीब भी आप रहेंगे, क्योंकि जहाँ रुद्राक्ष है वहाँ शिव है। L1 L2 लिखकर व्हाट्सएप करना ना भूलें और संपूर्ण जानकारी आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर दे दी जाएगी। नमस्कार।